नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेबल मेथड का। एक बहुत ही पावरफुल मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल करके अभी तक हजारों छात्रों ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया और खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज भी आप बहुत मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने आप को जांच नहीं किया। ये टेबल मेथड अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। इसे अपनी पढ़ाई को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको पता करना कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस टेबल मेथड का इस्तेमाल करना आपको पता चल जाएगा। इस टेबल मेथड से यह भी पता कर सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगा, कितना दूर है आप सरकारी नौकरी से, दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए इस टेबल मेथड को समझेंगे। यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील देखते हुए हम लोग घंटों निकाल देते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो को ना लाइक करते ना देखते हैं, जो कि आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ इस तरह का वीडियो आपके लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो ऐसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। शायद आपके एक शेयर और एक लाइक से उनकी भी जिंदगी बन सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत और चैनल को कर दिए लाइक और सब्सक्राइब। आपके सामने ये टेबल ओपन हो चुका है और इस टेबल मेथड को हम इस्तेमाल करके अभी आपको दिखाने वाले हैं। ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपको बता दिया कि आपकी तैयारी 100% हो चुकी है, उसी साल आपको नौकरी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आइए चेक करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें रो और कॉलम में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। एक एक चीज को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहां पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और यहां रैंक लिखा हुआ है। रैंक ए प्लस है, रैंक बी प्लस है, रैंक सी प्लस है और रैंक डी प्लस है। इधर रिमार्क है, ठीक है। अब इसके नीचे टेस्ट मार्क्स लिखा हुआ, टेस्ट का मार्क्स लिखा हुआ। अगर आपको टेस्ट में 90 से 100% नंबर आ रहे हैं, 90 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो आपका रैंक ए प्लस है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपका नंबर 80 से 90% के बीच में, तो आपका जो रैंक है बी प्लस है। अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में 70 से 80% नंबर आया है, इसका मतलब आपका रैंक सी प्लस है। अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में 50 से 70% नंबर आया है, इसका मतलब है कि आपका रैंक डी है, ठीक है। यह तो रहा आपके टेस्ट के मार्क्स के अनुसार आपका रैंक क्या रहेगा, ठीक है। अब ये जो मार्क्स आपने लाया है, इसके बेस पे हम बताएंगे कि आपका सिलेक्शन का चांस क्या है, आपके सिलेक्शन का चांस क्या है। अगर आपका रैंक ए प्लस है, मतलब 90 से 100 के बीच में आपका नंबर आ रहा है किसी चैप्टर में, तो सिलेक्शन के जो चांस है 100% है, सिलेक्शन के चांस 100% है। अगर आपका नंबर 80 से 90 आ रहा है, 80 से 90% के बीच में, तो आपके सिलेक्शन का चांस 75% है। अब ये जो सिलेक्शन का चांस है, अचानक से 25% कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना, हाईएस्ट नंबर, यहां पे बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर कम होता है, जैसे जैसे नंबर कम होकर 80-90 तक आता है, एक एक नंबर पे सैकड़ों हजारों बच्चे बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, इसीलिए परसेंटेज का जो चांस है काफी कम हो गया सिलेक्शन का। और रैंक सी में की बात करें कि 70 से 80% अगर आपका नंबर आया है, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है 50% है। समझ लीजिए, 70 से 80 नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें सिलेक्शन का चांस 50% होता है। और इससे कम चले जाइएगा, 50 से 70% के बीच में अगर आप हैं, तो सिलेक्शन का चांस मात्र 25% है। 50 से नीचे में तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन का कलर है, ठीक है ना, ये कलर बताएगा। ग्रीन है मतलब सिलेक्शन हो चुका है, ये ब्लू है मतलब काफी करीब है, कलर येलो है 50-50 चांस है, और ये बिल्कुल रेड जोन में, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब ये तो बता दिया इसका ओवरव्यू, अब ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझो। ये रहा हमारा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। जो भी जितने भी चैप्टर हैं आपके जितने भी चैप्टर हैं, या मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जीएस की बात करें, या टेक्निकल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो कि उसमें आप कितना मजबूत हो उसको उठा लो, और मैं बता देता हूं इस सॉफ्टवेयर से कि आप कितना मजबूत है। आप कोई एक सब्जेक्ट को उठा लो,
जिसका टेस्ट करना चाहते हो, और उसी तरह से सारे सब्जेक्ट को टेस्ट करना है। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को उठा लिया, इलेक्ट्रीशियन जो हमारा टेक्निकल का सब्जेक्ट है उसको उठा लिया, इलेक्ट्रीशियन को, ठीक है ना, ट्रेड थ्योरी को। पहला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसका आपने टेस्ट दिया। टेस्ट में आपका जो नंबर आया 70% से लेकर 80% आया, मतलब आपका जो रैंक है सी प्लस है, आपका रैंक क्या है, सी प्लस है। उसी तरह दूसरा चैप्टर का टेस्ट दिया आपने लेथ मशीन का, और लेथ मशीन में आपका जो नंबर आया 80 से 90 के बीच में है, मतलब आपका बी प्लस है। उसी तरह से आपने तीसरा चैप्टर सेफ्टी का टेस्ट दिया, और सेफ्टी में आपने ए प्लस लगाया, ए प्लस नंबर आया, मतलब 90 से 100 के बीच में आपका मार्क्स था। चौथा आपने मेडल का टेस्ट दिया, और इसमें जो आपका नंबर आया, इसमें जो आपका नंबर आया मेटल में डी प्लस आ गया, मतलब आपका नंबर था 50 से 70% के बीच में, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसफार्मर का आपने टेस्ट दिया, और इसमें आपका ए प्लस आ गया, ठीक है। छठा नंबर कटिंग टूल का दिया आपने, इसमें भी ए प्लस आपका आ गया। इसी तरह से आप टोटल 30 चैप्टर का टेस्ट दिए, और 300 चैप्टर में आपको कुछ इस तरह के डेटा आपके सामने आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिमार्क्स वाला कॉलम है इसमें हम सारे चैप्टर को एक जगह करेंगे। पहला चैप्टर में कितना रैंक था हमारा, सी प्लस था। दूसरा में कितना था, बी प्लस था। तीसरा में कितना था, ए प्लस था। चौथा में कितना था, डी प्लस था। पांचवा में ए प्लस था, और छठा में ए प्लस था, छठा में भी ए प्लस था। अब करना क्या है आपको, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 80% चैप्टर में आपको ए प्लस नंबर होना चाहिए। टोटल चैप्टर का 80+ चैप्टर में आपका ए प्लस है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, इससे कम है तो नहीं मिलने वाला है। तो 80% चैप्टर का मतलब हुआ कि 30 में से, टोटल चैप्टर 30 है, 30 में से आपको 24 चैप्टर में आपका जो रैंक है ए प्लस होना चाहिए, तब जाकर आपको बोल सकते हैं आप कि मेरी तैयारी 100% है और आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी हो जाएगी। अब यहां पर हम एनालिसिस करेंगे कि हमें, मान लीजिए हमारा 80% चैप्टर में ए प्लस नहीं है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हम अपने परसेंटेज को, अपने चैप्टर के संख्या को ए प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। टोटल चैप्टर कितना था, 30। मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और 10 चैप्टर में आपका ए प्लस नंबर आया है, 5 चैप्टर में आपका बी प्लस नंबर है, और 5 चैप्टर में सी प्लस है, और 10 चैप्टर में आपका डी प्लस है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 30। ये कंडीशन है। सिलेक्शन के लिए आपको 70 से 80% चैप्टर में ए प्लस होना चाहिए। हमने यहां पे एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं कि 70% जो चैप्टर है उसमें ए प्लस आना चाहिए, मतलब 21 चैप्टर में आपका ए प्लस आना चाहिए। और बी प्लस की हम बात करें, जब 70 में ए प्लस आ गया तो बी प्लस आपको 30% चैप्टर में आना चाहिए, मतलब 9 चैप्टर में आपका बी प्लस होना चाहिए। 21 चैप्टर में आपका ए प्लस और 9 चैप्टर में अगर आपका बी प्लस है तो नौकरी की 100% गारंटी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका तो आया था 10 ही चैप्टर में ए प्लस है, आपको 21 चैप्टर तक जाना है, मतलब 11 चैप्टर पीछे है जिसमें ए प्लस नंबर नहीं है आपका, तो ये नंबर बढ़ेगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी वाले चैप्टर को कन्वर्ट करते हैं ए प्लस वाले में। सबसे पहले बी वाले चैप्टर को ए प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ये जल्दी कन्वर्ट हो भी जाएगा, क्योंकि जिस चैप्टर में बी प्लस है मतलब थोड़ा बहुत ही डाउट है, नहीं तो ये वो ए प्लस हो ही जाएगा। तो ये 5 चैप्टर जो आपका बी प्लस के आसपास है, मतलब ए प्लस के काफी करीब है, इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे चैप्टर कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जो डी है और सी है, इस वाले चैप्टर में हम खूब मेहनत करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे इसका लेवल बढ़े और ये कन्वर्ट होकर कम से कम बी प्लस तक पहुंच जाए। ये तो ऑलरेडी ए प्लस में चला गया, नीचे का 2 पे हम काम किए, उधर हम चले गए, उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो एक रेशियो की 80% चैप्टर में 70% चैप्टर में ए प्लस होना चाहिए वो हो जाएगा, और बाकी का बी प्लस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर इस टेबल का इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा,
फायदा यह है कि मान लीजिए आप हर बार पढ़ने बैठते हैं लेकिन क्या अंतिम चैप्टर तक आप पहुंचे हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं, कोई नहीं पहुंचता। लेकिन टेबल मेथड से पढ़ने से क्या होगा कि जिस जिस चैप्टर में आपका ए प्लस है उसको केवल नॉर्मली रिवीजन करते रहेंगे, और जिस चैप्टर में आपका डी प्लस है सी प्लस है उस चैप्टर पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान देकर उसके प्रैक्टिस को और तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। उससे फायदा यह होगा कि सारे चैप्टर आपके दिमाग में रहेंगे, रिवीजन लगातार होते रहेंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। अब तो रहा कि ठीक है इसको हम प्रैक्टिस करके सही कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको एक दिमाग में बात रखना होगा कि रैंक सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा, ओनली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। इसमें जो रैंक गड़बड़ है मतलब क्वेश्चन ही गलत हुआ है, इसीलिए आपका रैंक कम है। तो इस सुधरेगा कैसे, तो क्वेश्चन को ही सही करना है, मतलब क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन अप्रोच होना चाहिए हमारी पढ़ाई, तब जाकर आपका रैंक सुधरेगा। सरकारी नौकरी कैसे मिलता है, तो सरकारी नौकरी ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मिलता है। सुने है कि थ्योरी पढ़ के बहुत विद्वान था वो, पढ़ने में बहुत 30 मार्क आता, लेकिन वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, उसको नौकरी नहीं मिला है। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास कि पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है उसको नौकरी नहीं मिला, और जो पढ़ने में मीडियम था बहुत कम उसको, मतलब बच्चों में गिना जाता था कि पढ़ने में तेज है लेकिन उसको सरकारी नौकरी मिल गया। कैसे, बस एक ही काम उसने किया है, वो लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, उसको थ्योरी आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कोई वास्ता नहीं था, क्वेश्चन है क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और उसको नौकरी मिल गया। क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं बनता है, जिस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस किए रहेंगे वही क्वेश्चन बनता है। क्यों, टाइम वहां पे 30 से 40 सेकंड ही आपको मिलता है, और 30 से 40 सेकंड के अंदर में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे तब आंसर देंगे, तो होने वाला नौकरी नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल मेथड का आप लोग भरपूर इस्तेमाल करिए, उससे पता चल जाए कि आप किस चैप्टर में कमजोर है और उसके अनुसार यहां पे आप मेहनत करेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे केवल जिसमें केवल केवल थ्योरी होगा, केवल थ्योरी होगा। बहुत चैप्टर ऐसे होंगे जहां से प्रश्न ही बहुत कम आते हैं, तो इस चीज को भी दिमाग में मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है कि कौन से चैप्टर पे हमें बिल्कुल 100% नहीं 200% पकड़ बनानी है। जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं उस चैप्टर पे आप मजबूती के साथ पकड़ बनाइए कि वहां से प्रश्न आए तो हिले नहीं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर कमेंट बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेटरडे इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।